नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत। हमेशा की तरह मैं उपस्थित हूं मनीष कुमार झा। आज का समाचार महत्वपूर्ण है। आज अमित शाह झारखंड के दौरे पर हैं। यहां वह गिरिडीह जाएंगे, जहां नैनो यूरिया फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। इसके जरिए वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह किसानों के हित में काम करना चाहते हैं। आपको याद होगा, जिस समय किसान दिल्ली में धरना में बैठे थे, उस समय कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों ने यह आरोप लगाया था कि यह सरकार किसान विरोधी है, किसान के विरोध में काम कर रही है। इसका परिणाम आपने देखा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि वहां कांग्रेस आपस में लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी पर किसान भरोसा नहीं कर रहे थे, आम आदमी पार्टी को वहां मौका मिला, आम आदमी पार्टी वहां सरकार चला रही है। झारखंड में भी जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी हमला पर हमला करते जा रहे हैं। आपको याद होगा, एक समय ऐसा आया था जिस समय मुख्यमंत्री को अपने विधायकों को लेकर दूसरे राज्य जाने पड़ गए थे। उन्हें लग रहा था कि अब या तब सत्ता जा सकती है। अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गुजरात बनाना चाहता है। भाजपा का यह उद्देश्य है कि झारखंड के लोगों को स्थिर ना रहने दिया जाए। वहीं जब अमित शाह आज देवघर आएंगे तो यहां आकर बाबा का दर्शन करेंगे, इसके बाद बुद्धिजीवियों से मिलेंगे। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं यहां, एक तो गिरिडीह में जाकर किसानों के लिए नैनो यूरिया फैक्ट्री का शिलान्यास करना, दूसरा बुद्धिजीवियों से मिलना, उन्हें यह बताना कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम कर रही है। इसका परिणाम कुछ समय बाद देखने को मिलेगा। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वह मान रहे हैं 2024 की तैयारी है। आपको यह भी याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी यह कहती रही है कि सबका साथ सबका विकास, इसके तहत उन्होंने वैसे वांछित मुसलमानों को भी अपने में जोड़ने का काम किया है, जिसे उनके यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है। इसे सधी हुई राजनीति आप कह सकते हैं। जो लोग समाज से तिरस्कृत हैं, जिन्हें समाज में समान सम्मान नहीं मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसे अपने में मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है, ताकि 2024 में रिकॉर्ड मतों से, रिकॉर्ड सीटों से फिर सरकार बनाकर जाए। झारखंड महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यह खनिज संपदा से भरा पूरा राज्य रहा है। अब जब से यहाँ महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, RJD, ये सभी पार्टियां मिलकर यहाँ शासन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार हो। इसके लिए अभी 2024 की तैयारी चल रही है। आपको याद होगा, जिस समय राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा था, उस समय एक आदिवासी महिला को जगह देकर सर्वोच्च पद पर बैठाकर यह समझाने का प्रयास किया कि हम आदिवासियों के हित में काम करते हैं, आदिवासियों को हम उपेक्षित नहीं करते हैं। आज बुद्धिजीवियों को यह बताने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट पेश किया है, यह सभी के लिए है, यह बताने का काम किया जाएगा। पहले भी लोगों को यह बताया गया है कि आप बूथ स्तर पर जाकर लोगों को समझाएं कि केंद्र सरकार किस तरह काम कर रही है और आने वाले समय में झारखंड का सर्वांगीण विकास होगा। वहीं आज झारखंड में दो VIP का कार्यक्रम है। एक तो अमित शाह आ रहे हैं, जो गिरिडीह और देवघर जाएंगे, दूसरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का धनबाद स्थापना दिवस है, आज मुख्यमंत्री वहां शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवघर में व्यस्त हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता धनबाद की ओर गए हैं। अब यह देखना होगा कि 2024 में कौन मतदाता को समझाने में सफल रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से भी आपके द्वार, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, सार्वभौम पेंशन आदि ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जो जनता को, जो मतदाताओं को अपने ओर आकर्षित करेगी। अब यह देखना है कि केंद्र और राज्य दोनों के बीच में जो रसाकसी का खेल चल रहा है, इसमें जीतता कौन है और जनता को समझाने में सफल कौन रहता है। क्या कहते हैं आज अमित शाह एवं क्या कहते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हम आपको जरूर सुनाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ।